प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी और पाकरा में आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर की बहुत तारीफ करती हूँ कि आज फिर से खुदावंद ने मुझे फजल दिया आप सबके साथ लाइव जुड़ने का, और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज फिर से खुदावंद ने मुझे एक अच्छा और पवित्र दिन दिया है। और मैं बिलीव करती हूँ कि प्रभु आज आप सबको बहुत 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 आशीषित करेंगे, और आज का वचन आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग और एक बहुत बड़ी आशीष को लेकर आएगा। और जो मैं आज आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगी, और मेरा बिलीव है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सबकी तमाम बंधनों को तोड़ेंगे। और थैंक यू आप सबका, जितने भी आप सब लोग मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हो, खुदा आपको बहुत ब्लेस करे। थैंक यू महेश राव जी, थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बहुत ब्लेस करे। माइकल, थैंक यू, दीनाकरण, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर जी मेरे साथ लाइव जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। एंड और बहुत सारे भाई बहनों को आज प्रभु बहुत ब्लेस करेंगे। अरुण जी, प्रेज द लॉर्ड अरुण, थैंक यू मेरे साथ लाइव जुड़ने के लिए, गॉड ब्लेस यू। नवजोत सिंह, थैंक यू नवजोत जी, खुदा आपको बहुत ब्लेस करे। और आई बिलीव कि अच प्रभु तानू जरूर अपनी सामर्थ और अपने अभिषेक नाल अज भरनगे। सो ताडा अज दा जिहड़ा वचन है तुसीं बड़े गौर नाल सुनना है, ते यकीनन प्रभु अज तानू अपने वचन दे द्वारा अज बहुत ज़्यादा परमेश्वर दी सामर्थ आएगी, और प्रभु तानू अज वचन दे द्वारा जरूर ब्लैस करनगे। एवेंजलिस्ट प्रकाश, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। वंश कुमार जैमसी दी, गॉड ब्लैस यू, थैंक यू। राजविंदर जी, दीनाकरण ब्रदर जी, आप चर्च के लिए भी प्रार्थना करें। अभी फ़िलहाल कुछ केस पेंडिंग है अभी, तो उसके रिगार्डिंग अभी कोई न्यूज़ नहीं है। आई विल, जब भी कोई परमेश्वर मुझे कोई दिखाएंगे, कोई भी मसले का हल होगा, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। फिलहाल अभी आप सब लोग प्रार्थना करो, और अभी परमेश्वर हमारे लिए अपना अद्भुत तरीके से प्रभु ब्लेस करे और हमारे लिए एक बड़ा रास्ता खोल दे। और घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सही हैं, तो खुदा हमारे साथ हैं, हमें किसी भी बात की चिंता नहीं है। जब आप सच्चाई पे खड़े होते हो, डिले जरूर होता है, परंतु हमेशा परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं। सो थैंक यू राज साहब, हालेलुया, थैंक यू जी, या आमीन, थैंक यू, आपको बहुत बहुत थैंक यू दीनाकरण जी। आप सब लोगों की दुआओं और प्रार्थनाओं के कारण हम लोग खड़े हैं आज भी आपकी परमेश्वर की सेवा के लिए, क्योंकि आप सबकी दुआओं ने मुझे इतना मजबूत किया है। आप सबकी प्रार्थना है जिसकी वजह से ये मिनिस्ट्री ग्रोइंग हो रही है, और आने वाले दिनों में प्रभु और हमें ब्लेस करेंगे। दिलवाग रंधावा जी, थैंक यू ब्रदर जी मेरे साथ लाइव जुड़ने के लिए। दीप राजेवालिया, थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू दीप जी, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रभु की हजूरी में आज मेरे साथ हैं, और प्रभु आपको बहुत ब्लेस करें। मैं आज स्पेशली आज आप सबकी हीलिंग के लिए ख़ास प्रेयर करूंगी। और गुरमीत भुल्लर जी, जरूर जी, मैं तुहाडे बेटे लिए भी अज दुआ करांगी, तुसीं जरूर मेरे नाल लाइव जुड़े रहना, ते मैं बिलीव करदी हाँ कि प्रभु अज तुहाडी जिंदगी च अद्भुत तरीके दे नाल काम करेगा। रेनू सिंह जौहन, ओके, तुसीं फाइनैंशली ब्रेक थ्रू चाहते हो, डोंट वरी, रेनू प्रभु तुहानू बहुत जल्दी छुटकारा देंगे और प्रभु एक वड्डी बरकत नाल भरेंगे। रॉबिन, थैंक यू रॉबिन, गॉड ब्लेस यू टू, प्रभु तुहानू बहुत 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 ब्लेस करें। जरूर जी, ताडे लई भी मैं दुआ करांगी। जी जरूर, तुहाडे ब्रदर लई जरूर मैं उन्होंने मैरिज से लिए प्रार्थना करूँगी।
बिंदु, थैंक यू जैम से की बिंदु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पवन गुप्ता, प्लीज़ प्रे फॉर माई वर्क। जश्योर, मैं ज़रूर प्रार्थना करूँगी आपके अच्छे कारोबार के लिए। संतोष, थैंक यू संतोष, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको ब्लेस करे। उर्मिला, यशोर, मैं आपके बेटे के लिए ज़रूर प्रे करूँगी, खुदा उन्हें ब्लेस करेंगे आज और उन्हें बड़ा छुटकारा मिलेगा। सो आप बिल्कुल चिंता ना करें। सर्वजीत, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। मनप्रीत हंस, आप कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहते हो, डोंट वरी, लास्ट में प्रे करूँगी मैं साथ, आप विश्वास के साथ रिसीव करना उस प्रार्थना को, प्रभु काम करेंगे। विक्रम, आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हो, डोंट वरी, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, प्रभु आपको बहुत बहुत ब्लेस करेंगे। मैं कोशिश करूँगी आज आप लोगों के लिए कुछ प्रॉफिटिकल वर्ड बोलूँ, तो मेरे साथ आप लाइव जुड़े रहना एंड तक अभी, और उन प्रॉफिटिकल वर्ड्स को आपने रिसीव करना है, और आई बिलीव कि जब आप उसे रिसीव करोगे, प्रभु आपकी लाइफ में एक बहुत अद्भुत काम करेंगे। राज साहब जी, ज़रूर मैं आपके वर्क के लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगी। राजाकर आपके लाइफ पार्टनर के लिए ज़रूर जी प्रेयर होगी आज आपके लिए। उदित, प्रेज द लॉर्ड। कमल अरोड़ा, प्रेज द लॉर्ड जी, ज़रूर प्रभु बहुत ब्लेस करेंगे आपको। सर्वजीत, थैंक यू आपके, आप सबका जितने भी मेरे साथ लाइव जुड़े हो, और आप जितने भी मेरे साथ लाइव जुड़ने वाले हो, आप सबको प्रभु की हजूरी में, मैं प्रभु की हजूरी में आप सबका स्वागत करती हूँ, और जितनी भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं आपने सेंड करना शुरू करें, और आपकी प्रार्थना परमेश्वर आज सुनेगा, और प्रभु आपको अद्भुत रीति के साथ आज उत्तर देंगे। सो आज मैं एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट परमेश्वर का वचन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अजीज़ों, परमेश्वर की आवाज़, हर कोई इंसान चुका है वो परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाता है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं, और परमेश्वर की आवाज़ को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं, उसका उसके कई कारण हैं, उसका एक बहुत ही जो एक कह सकते हैं उसको, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कारण क्या है, वो इम्पोर्टेंट कार्य जब कारण क्या है कि जिस संसार में हम रह रहे हैं, इस संसार में हमें बहुत सारी आवाज़ें सुनने को मिलती है, तरह तरह की आवाज़ें हम सुनते हैं, और परमेश्वर की जो आवाज़ है, परमेश्वर की आवाज़ बड़ी धीमी होती है, बहुत धीमे से परमेश्वर बोलते हैं, और परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए हमें बहुत साइलेंट और एक एक पीसफुली एक माहौल की ज़रूरत होती है। अगर हम हमारी लाइफ में हलचल होगी, अगर हम स्पिरिचुअली हम थके हुए होंगे और हम तरह तरह की आवाज़ों की ओर हम अट्रैक्ट होंगे, तो हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर बहुत धीमे से बोलता है, और परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए हमें पूरी तरह से रिलैक्स होना पड़ेगा। हमें इधर उधर की जो आवाज़ें हम सुन रहे हैं, हमें उस आवाज़ को कैंसिल करना होगा, और हमें परमेश्वर की आवाज़ को रिसीव करना होगा, क्योंकि जिस संसार के अंदर हम रह रहे हैं, संसार में बहुत सारी आवाज़ें हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको कि वो किस प्रकार के आवाज़ें हैं और कैसे आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हो। अगर आप अपने जीवन में ज़्यादा ध्यान लगाओ के संसार की आवाज़ों के ऊपर, तो आप कभी भी परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाओगे कि परमेश्वर आपके लिए क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर की आपके लिए क्या इच्छा है। कई बार लोग मुझसे बात करते हैं और मुझसे बोलते हैं कि हमें बताइए कि आप ऐसे एज ए प्रॉफिट आपको प्रॉफिटिकल
खुदा ने गिफ्ट किया है आपको, आपके पास वो प्रोफिटिकल अनॉइंटिंग है, तो आप बोल सकते हो, आप बता सकते हो हमें। और कितने लोग मुझे ये बोलते हैं कि हमें हमें जानना है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर का हमारे लिए क्या, परमेश्वर की हमारे लिए क्या योजना है। आप सब परमेश्वर की योजना को समझ सकते हो, आप सब जन परमेश्वर की योजना को रिसीव कर सकते हैं, आप सब जन परमेश्वर की योजना के अनुसार अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं, आप सब जन परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हो। लेकिन परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको सबसे पहले साइलेंट होना होगा, आपको संसार की जो आवाज़ें हैं उन पर ध्यान नहीं देना है। अगर आप लोगों की आवाज़ों पर ध्यान दोगे तो आप परमेश्वर की आवाज़ को कभी भी सुन नहीं पाओगे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ बहुत धीमी होती है। हम मरकुस 5 उसके 35 वचन में देखते हैं, जब यरस प्रभु यीशु मसीह के पास गया अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उसकी बेटी मरने वाली थी, तो वो वेट कर रहा था। और हम देखते हैं मरकुस 5 उसके 35 वचन में, कुछ लोगों ने आकर यरस को बोला, तेरी बेटी मर चुकी है। कुछ लोगों ने, आवाज़ें आईं, वो वेट कर रहा था जीसस की, कि मैं जीसस को अपने साथ अपने घर में लेकर जाऊंगा, और जब जीसस मेरे घर में जाएंगे और जीसस जब घर में जाकर मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करेंगे तो मेरी बेटी चंगी हो जाएगी, और उसको ये बिलीव था। परंतु अभी वो इंतज़ार ही कर रहा था, कुछ आवाज़ें उसको सुनाई थी, और आवाज़ें क्या थी? तेरी बेटी मर चुकी है। और खुदा के कलाम में लिखा मरकुस 5 उसके 36 वचन में क्या लिखा, कि जीसस ने उन लोगों की बातों को अनसुना कर दिया, और जीसस ने क्या कहा जेरस को, विश्वास रख, तेरी बेटी मरी नहीं, तेरी बेटी जिंदा है। आमीन। यहाँ पर कुछ आवाज़ें आ रही हैं, आवाज़ें कौन सी हैं? आवाज़ें नेगेटिविटी की दर्शा रही है। ये नेगेटिविटी है लोगों की, वो बोलते हैं वो मर चुकी है, जीसस अनसुनी कर रहा है उन आवाज़ों को। जीसस बोलता नो, वो जिंदा है, वो मर ही नहीं है। हमें जब हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हम कभी 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 परमेश्वर में बहुत जल्दी ब्लेस कर देते हैं, कभी कभी परमेश्वर डिले कर देते हैं, देरी हो जाती है। जब देरी होती है तो जो दुश्मन है हमारा, शैतान है, जो उसको मौका मिल जाता है हम पे अटैक करने का, तो वो क्या करता है, वो नेगेटिविटी हमारे अंदर डालनी शुरू कर देता है। वो बोलता है तू ब्लेस नहीं होगा, वो बोलता है तेरा बिजनेस कभी ब्लेस नहीं होगा, वो बोलता है तू कर्जे से कभी आज़ाद नहीं होगा, वो बोलता है तू कभी विदेश नहीं जा सकता है, वो बोलता है तेरी लाइफ में कभी आश नहीं आएगी, वो बोलता है तू सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाएगा, वो बोलता है तू कभी सक्सीड नहीं होगा, तू हमेशा फेलियर की गिनती में ही गिना जाएगा। ये नेगेटिव बातें हैं, ये कौन बोलता है? शैतान बोलता है। यहाँ पे एक ध्यान देने की बात है, अगर यरूस लोगों की बातों पर ध्यान लगा लेता तो वो परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं सकता था। परमेश्वर की आवाज़ थी, तेरी बेटी जिंदा है, बाहर की आवाज़ें थी, वो मर चुकी है, वो डेड हो चुकी है। आपकी लाइफ में हो सकता है परिस्थितियां ऐसी हैं, माहौल ऐसा है, सिचुएशंस ऐसी हैं कि आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है सब कुछ, अब कुछ नहीं हो सकता है। एक आवाज़ आपके कान में आती है, वो आवाज़ परमेश्वर की आवाज़ है, और वो परमेश्वर आपसे बोलता है, खुदा आपसे बोलता है, परमेश्वर का रूह आपसे बोलता है कि चिंता मत करो, फिर से ब्लेसिंग आएगी, फिर से बरकत आएगी, फिर से आशीष आएगी। उस टाइम पे आपको बिलीव करना है। हालेलुया, अगर आप बिलीव करेंगे तो आप परमेश्वर के काम को देखेंगे। उत्पत्ति उसके 18 वचन उसकी उसके 11 वचन में ऐसा लिखा है,
इब्राहिम और सारा दोनों बहुत बूढ़े हो चुके थे, और परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का जो मैसेज सारा और इब्राहिम को मिलता है, और परमेश्वर कहते हैं कि सारा तू ब्लेस होने जा रही है, तुझे बच्चे की आशीष मिलने जा रही है। सारा क्या बोलती है 12 वचन में, वो कहती है मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा हो चुका है, तो क्या मुझे ये सुख होगा। तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि मेरी जो इतनी क्यों के क्या मेरी जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा। परमेश्वर यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ, तो क्या अब एक बूढ़ी औरत के बच्चा होगा। आवाज़ें आ रही थी सारा और इब्राहिम को, तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम 100 साल के हो चुके हो, तुम 90 साल की हो चुकी हो, तुम बच्चा नहीं पैदा कर सकती हो। परमेश्वर की आवाज़ सारा और इब्राहिम को आती है कि इस ऋतु मतलब इस ईयर में तुम्हें बेबी की ब्लेसिंग मिलेगी। सारा ये सुनकर हंसती है, वो कहती मैं तो बूढ़ी हूँ, मेरा पति भी बूढ़ा हो चुका है, तो ये कैसे हो सकता है, ये असंभव है, ये कैसे हो सकता है। क्योंकि उसने लोगों की आवाज़ों को सुना, लोगों ने उसे तरह तरह के ताने मारे, क्योंकि वो उम्र उसकी बढ़ती गई और उसे लगा कि अब मैं माँ नहीं बन पाऊँगी। तो उसने अपने पति से कहा, उसने कहा देखो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे बच्चा होगा, तो तुम मेरे लिए मेरी नौकरानी को लो और मेरी नौकरानी के द्वारा मुझे एक बच्चा दो। सारा ने लोगों की आवाज़ों को सुना और जो लोगों ने उसे कहा उसने वो सच मान लिया। कई बार लोग आपके बारे में नेगेटिविटी बोलते हैं, आप सुनते हो और आप जब उन बातों को रिसीव कर लेते हो तो वो आपके जीवन में खो जाता है। जब लोग बोलते हैं तुम फेलियर हो, आप सुनते हो लोगों की बातें कि लोग मुझे फेलियर बोल रहे हैं, मुझे असफल व्यक्ति बोल रहे हैं, और आप ये मान लेते हो कि मैं असफल व्यक्ति हूँ। जब कोई आपको बोलता आप अच्छे दिखते नहीं हो, आप सुंदर नहीं हो, तो आप मान लेते हो कि मैं सुंदर नहीं हूँ। फिर आपके अंदर ऐसी फीलिंग आती है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, आप ये बात मान लेते हो, आप लोगों की आवाज़ों को सुनते हो। परंतु जब परमेश्वर आपसे कहते हैं तुम मेरे लिए बहुत खास हो, मैंने तुम्हें बनाया, मैंने तुम्हें अपने हाथों से बनाया है, तुम मेरी रचना हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आपको एक बात मैं बताना चाहती हूँ, जो अपने आप को रिजेक्टेड मानते हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ, आप परमेश्वर के लिए बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि आप खुदा के प्रिय पुत्र और प्रिय पुत्रियाँ हैं, इसलिए आपका ट्रस्ट परमेश्वर पे होना चाहिए, आपको बिलीव करना परमेश्वर पे। सारा लोगों की आवाज़ें सुन रही है, लोग कहते हैं तू बूढ़ी है, और वो कहती है कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, परंतु परमेश्वर की आवाज़ उसे आती है, इस ऋतु में इस साल में तुम ब्लेस होने जा रही हो। आमीन। हो सकता है कि आज खुदा आपसे ये बोले कि आप ब्लेस होने जा रहे हैं, परंतु लोग आपके बारे में कुछ और सोच रहे हैं, लोगों की थिंकिंग कुछ और है आपके बारे में। अगर तो आप लोगों की आवाज़ों को सुनोगे तो आप परमेश्वर की आवाज़ को कभी नहीं सुन पाओगे। जब परमेश्वर ने मूसा को कॉल की तो मूसा ने कहा, परमेश्वर मैं थथला हूँ, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ और लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं जब मैं बोलता हूँ। आप थथले को देख के हंसते हो ना, ऐसे मूसा पे भी लोग हंसते थे, परंतु परमेश्वर ने जब मूसा को बुलाया तो मूसा ने जब परमेश्वर से कहा प्रभु मैं थतला हूँ, तो परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने कहा
कि किसी को थतला बनाना या ना बनाना ये मेरा काम है। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे यूज़ करूँगा। अब लोगों का मजाक था, थथला मूसा, थथला मूसा, पर परमेश्वर ने उसे एक बहुत बड़े एक बहादुर योद्धा के रूप में देखा। परमेश्वर ने उसे किंग के रूप में देखा। परमेश्वर ने उसे एक ऑबिडेंट पर्सन के रूप में देखा। परमेश्वर ने उसे थथला नहीं देखा, लोगों ने देखा कि वो थथला है। दाऊद के बारे में देखिए ना, लोगों ने क्या देखा, वो भेड़ बकरियों को चलाने वाला है, एक चरवाहा। परंतु परमेश्वर ने क्या देखा, उसमें राजा देखा, किंग देखा। जो लोग आपके लिए बोल रहे हैं, अगर आप उन बातों पे विश्वास करोगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। लोगों की बातें सुनना बंद करो। क्या आपके मन में ऐसा आता है कि लोग हमारी प्रेज करें? तकरीबन सब चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमारे बारे में अच्छा बोलें, हमें नेगेटिव चीज़ें हमारे बारे में ना लिखें। जब हम ट्रॉल करते हैं लोगों के द्वारा, तो हमें बहुत दुख होता है और बुरा भी लगता है।